हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लॉकडाउन के समय में अगर आपके पास घर पे हरी सब्जी नहीं है तो आप आसानी से इस मसालेदार उड़द दाल की बरी की सब्जी को बना सकते हैं। अगर आपके पास मूंग दाल की बरी है या फिर सफ़ेद कुमड़े की बरी है तो आप उससे भी ये रेसिपी को बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी, आप सब ज़रूर से ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लास्ट में लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये उड़द दाल की बरी, इसे वड़ी भी बोला जाता है कई जगहों पे। तो यहाँ पे मैंने ये 9 पीस उड़द दाल की बरी ली हुई है। इसे मैंने घर पे ही तैयार किया है, घर पे ही बनाया है मैंने। अगर आप इसकी रेसिपी चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, मैं आपके साथ इसे ज़रूर से शेयर करूँगी। तो ये मैंने कुछ 9 पीसेस लिए हैं। तो अब हमें क्या करना है, एक पैन में लेना है 1 बड़ा टेबलस्पून ऑयल और इसे अच्छे से गर्म करने के बाद ये सारी जो बरियाँ हैं हम इसमें डाल देते हैं। अब हमें बरी को फ्राई करना है थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने तक का। अच्छी तरीके से ये अंदर तक थोड़ी सी फ्राई हो जाए तब तक आप इसको इस तरह से चलाते हुए फ्राई कर लें। तो आप देख सकते हैं बरी का जो कलर है थोड़ा सा चेंज होने लगा है, बस थोड़ा सा और ब्राउन हम इसे करेंगे। तो हमारी बरी जो है ये एकदम अच्छे से फ्राई हो गई है, तो इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसे हम पूरी तरीके से अब ठंडा होने देंगे और उसके बाद ही हम इसके पीसेस करेंगे। तो ये बरी हमारी पूरी तरीके से ठंडी हो गई है, तो इसे हम छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से तोड़ लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से अंदर तक ये बरी जो है फ्राई हो गई है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी छोटे पीसेस में इसे तोड़ रही हूँ, आप चाहें तो इसी तरह से बड़े भी पीसेस रख सकते हैं। मैं छोटे पीसेस इसलिए कर रही हूँ जिससे कि ये जो बरी है जल्दी से पक जाएगी। तो ये सारी बरियाँ जो है इस तरह से तोड़ के मैंने यहाँ पे तैयार कर ली है और इसे अब हम रखेंगे अलग। अब हम इसकी सब्जी बनाएंगे। तो एक पैन में यहाँ पे हमें लेना है 2 बड़ा टेबलस्पून ऑयल और 1/2 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा जैसे ही क्रैकल हो जाए इसमें मैं ऐड करूँगी 1 बारीक कटा हुआ प्याज और 2 हरी मिर्चें। इस सब्ज़ी को आप डायरेक्ट कुकर में ही बनाएं। मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए इस तरह से मैंने कढ़ाई यूज़ की है, उसके बाद इस सब्ज़ी को मैं कुकर में ही कुक करने वाली हूँ। तो अब जो प्याज़ है अच्छी तरीके से हमें लाइट पिंक होने तक का फ्राई करना है। तो इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 पिंच हींग। हींग भी अच्छे से मिक्स करते हुए आप इसे अच्छे से फ्राई कर लें। अब हम ऐड करेंगे 1 बड़ा टेबलस्पून अदरक और लहसुन क्रश की हुई। आप चाहें तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। प्याज जो है हमें लाइट पिंक कलर होने तक का फ्राई करना है और अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो भी चला जाए तब तक आप इसे फ्राई कर लें। और अब हम इसमें 1 बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। आप इस सब्जी में टमाटर की प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं और जो हमारे टमाटर हैं थोड़े से गल गए हैं, तो इसी बीच हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने सबसे पहले ऐड किया है हल्दी पाउडर 1/3 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और कश्मीरी मिर्च ऐड किया है। तो अब बस हमें इस तरह से मिलाते हुए भून लेना है इन मसालों को। इस तरह से स्पैचुला से आप टमाटर को मैश कर लें और अच्छी तरीके से भून लें। अब हमें इसमें ऐड करना है 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/3 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। इस बरी की सब्ज़ी में आप इस मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भूनिएगा, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सब्ज़ी में। अब हमें किचन किंग मसाला ऐड करना है। तो यहाँ मैंने लिया है 1/2 टीस्पून जितना किचन किंग मसाला, आप चाहें तो 1 टीस्पून जितना भी इसमें इस किचन किंग मसाला यूज़ कर सकते हैं। अब बस अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद थोड़ी देर 1 मिनट भूनेंगे हम इसे। और इसमें हमें ऐड करना है 1 आलू। आलू इस तरह से आप क्यूब्स में कट कर लें और जो हमने बरी फ्राई करके रखी है उड़द दाल की बरी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। तो मैं यहाँ पे अभी सिर्फ 1 कप पानी इस कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ। कुकर में जब मैं इस सब्ज़ी को ट्रांसफ़र करूँगी तब इसमें मैं 1 कप पानी और ऐड करूँगी। तो अब बस हमें इसमें मिलाना है स्वाद अनुसार नमक
और ये देखिए मैंने कुकर में जो है सब्ज़ी को ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। तो ये मैंने दूसरा कप भी पानी ऐड कर दिया है। अब हमें 3 से 4 विसल आने तक का सब्ज़ी को पका लेना है। तो हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो गई है। प्रेशर कुकर पूरी तरह से ठंडा होने के बाद मैंने इसे ओपन किया और आप देख सकते हैं ये जो हमारी बरी है बहुत अच्छे से कुक हो गई है, साथ में जो आलू है वो भी बहुत अच्छे से कुक हो गई है। और आप देख सकते हैं ग्रेवी भी बहुत अच्छी थिक बनी है, एकदम टेम्पटिंग लग रही है। तो ज़रूर से इस सब्ज़ी को ट्राई करिएगा। और अब हमें इसमें ऐड करना है हरी धनिया। आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें हरी धनिया ऐड कर दें। तो बस हमें मिक्स करने के बाद गर्मा गर्म आप इस सब्ज़ी को स्टीम राइस के साथ या फिर गर्मा गर्म आप फुलके बना लीजिए, उसके साथ सर्व कीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए अब हम इस सब्ज़ी को गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं एक बाउल में।